हर हर महादेव, ओम साई राम, जय महाकाल, जय माँ काली, ओम श्री गण गणपते नमः। मैं अजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल शावर मंत्रों की शक्ति में। आज का जो हमारा ये वीडियो का टॉपिक है वो है पीर विरगहना साधना। आप लोगों ने सुना होगा ये पीर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित उग्र स्वभाव का है और आपके काम को बिल्कुल चुटकी बजाते ही कर डालेगा। ये बहुत ही वीर है, पीर विरगहना बहुत ही ज़्यादा वीर साधना है। पीर की साधना बहुत ही ज़्यादा बड़ी साधना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रोधित, शक्तिशाली, पावरफुल, बहुत ही तेज स्वभाव के पीर हैं। अगर आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देखिए। जो भी हम आपको मंत्र बताएंगे आप उस मंत्र का अच्छे से जाप कीजिए तो आपकी पीर विरगहना साधना जरूर सफल होगी। वैसे तो YouTube पे बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी लेकिन उससे आपकी साधना संपन्न नहीं होती। पता नहीं क्या रीजन होता है, आप अपनी साधना करते हैं लेकिन आपकी साधना में सफलता नहीं मिलती। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारी विधि बताऊंगा, आपकी साधना बिल्कुल सफल होगी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको उस भी मंत्र की साधना की विधि बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा, एक चौकी ले लीजिए, आप उसके ऊपर पीला रंग कर लीजिए या कोई भी रंग हो कोई दिक्कत नहीं है, हरा कपड़ा बिछा लीजिए, और एक थाली ले लीजिए, उसके अंदर एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए और उसके अंदर गुलाब के फूल रख दीजिए, और खुशबूदार इत्र ले आइए, सेंट ले आइए। हीना का सेंट मिल जाए तो अच्छा, अगर नहीं मिलता तो गुलाब का सेंट यूज कर सकते हैं, आप गुलाब का सेंट छिड़क लीजिए। याद रखना आपका मुख पश्चिम की तरफ हो तो आपका जो आप लगा रहे हैं दरबार उसका मुख कहाँ होगा। तो आपको फिर सेंट छिड़क के उसके अंदर मिठाई रख देनी है। आपको 5 तरह की मिठाई रखनी है, अगर आपके पास 5 तरह की नहीं है तो कोई भी एक मिठाई आप थाली में रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सुबह नहा धोकर जिस दिन भी आप साधना करना चाहते हैं दरबार लगा लीजिए। आप जहाँ भी साधना करना चाहते हैं वहाँ पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 786 लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत भी नहीं है। आप पीर विरगहना भी लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ जो तेल का दीपक लगा लीजिए, चिराग लगा लीजिए, उससे भी आप साधना कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पीर की साधना करें तो आप जो जोत लगाते हैं उसमें बत्ती हमेशा लिटी हुई होनी चाहिए, ऐसी खड़ी जोत वाला दीपक मत लगाएं। कई बार स्टील की लगा लेते हैं, मिट्टी का ही दीपक लगाएं और लिटा हुआ दीपक लगाएं, लंबी बत्ती वाला याद रखिएगा। ऐसे आपको दरबार लगाना होगा। दरबार लगाने के बाद आपको नहा धोकर, हरे कपड़े हैं तो पहन लीजिए वरना आप सफ़ेद वस्त्र डाल सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र या हरे वस्त्र डालकर आपका पश्चिम की तरफ मुख कर लीजिए। और आपको ये साधना 21 दिन करनी है, 21 दिन की साधना है आपको, ये 21 दिन करनी होगी। सुबह शाम आपको 786 या 11 माला का जाप करना होगा सुबह और शाम को। अगर आप पीर विरगहना के दर्शन चाहते हैं, उन्हें साक्षात देखना चाहते हैं, उनसे अपने सारे कार्य निकलवाने चाहते हैं तो आपको 786 या 11 माला जाप करनी होगी। अगर आप सिर्फ उनकी चौकी चाहते हैं, सिर्फ उनसे काम निकलवाना चाहते हैं तो एक माला सुबह एक माला शाम को आप कर सकते हैं। सुबह की माला का समय 6 बजे के बाद होगा या 6 बजे, या फिर आप सुबह भी कर सकते हैं, आप 5 बजे करेंगे तो सबसे अच्छा है। सुबह का समय अगर आप 5 बजे रखते हैं तो शाम का समय 8 बजे के बाद रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको पश्चिम की मुख तरफ कर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने पीर की, अपना गुरु की साधना करनी होगी, गुरु का मंत्र जाप करना होगा। आप गुरु जप कर लीजिए। गुरु जप करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपने पितर देवता, नगर खेड़ा, कुल देवी देवता, धरती माता, पंच तत्व, इन सब का स्मरण करना होगा, इनको मन से ध्यान होगा, अपने पूर्वजों को याद करना होगा, अपने गुरु को याद करना होगा। उसके बाद आपको अपनी देह रक्षा का मंत्र पढ़ना होगा। देखिए अगर मुसलमानी साधना है तो आप मुसलमानी मंत्र कीजिए, अगर आपके पास आयतल कुर्सी है तो आप आयतल कुर्सी पढ़कर, आप आयतल कुर्सी को याद कर लीजिए, उसे 11 बार पढ़कर अपने छाती पर दम कर लीजिए या फिर अपने हाथों पर फूंक मार के सारे शरीर पर फेर लीजिए। तो ये रही हमारी आयतल कुर्सी, आप देख लीजिए, ये है हमारी आयतल कुर्सी, आप इसे लिख कर रख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको आयतल कुर्सी करने में दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक मुसलमानी मंत्र और बता देते हैं, आप उससे भी अपनी रक्षा कवच बना सकते हैं। तो हमारा जो आज का दूसरा रक्षा कवच मंत्र है तो ये रहा, देखिए
तो ये हमारा दूसरा देह रक्षा मंत्र है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आयतल कुर्सी आजारी, पैगंबर की सवारी, काटा साहब बिच्छू को तुझे कसम है सुलेमान पैगंबर की प्यारी। एक बार आपसे फिर बता देता हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आयतल कुर्सी आजारी, पैगंबर की सवारी, काटा साहब बिच्छू को तुझे कसम है सुलेमान पैगंबर की प्यारी। तो ये था हमारा देह रक्षा मंत्र। अगर उसके अलावा आपके पास और भी कोई देह रक्षा मंत्र है तो आप करके कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पीर की साधना की बस छोटी सी विधि। आपको आई वीरवार को किसी भी पीर स्थान पे जाना होगा, चावल बना के आपको वहाँ पर देख चढ़ानी होगी। अगर आप पीर खाने नहीं जा सकते तो चावल बनाइए और एक दीपक लगाइए पानी के किनारे, और पानी में जल में प्रभाव कर दीजिए जो आप कढ़ाई बनाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पीर बिरगाना की साधना सफल जरूर होगी। लेकिन आप याद रखिए, अगर आई वीरवार आप शुक्र जो आपके आसपास कोई मस्जिद है, मस्जिद में जाकर भी आप माथा टेक सकते हैं, वहाँ पर सिजदा कर सकते हैं। तो हमारी ये थे इस मंत्र की विधि, और ये जो आपको साधना बता दी उसके बाद आपको मैंने बता दिया है देह रक्षा का मंत्र करने के बाद आपको अपना जो मेन मंत्र साधना है वो स्टार्ट करनी होगी। पीर बिरगाना की साधना को आपको आरम्भ करना होगा, उसका भी हम आपको मंत्र बता दें, उसके बाद में आपको इसको इस्तेमाल करने की विधि भी बताएंगे, आपको कैसे क्या करना होगा। ये मंत्र के जाप से आपको चौंकी भी आएगी, और उसके अलावा आपको ये साथ साथ दिखेंगे, आप जब चाहे इनसे अपने काम निकलवा सकते हैं। 21वां दिन होगा, फूलों की माला रखें। अगर आप फूलों की माला रखेंगे आप उन्हें पहना सकते हैं। आप ध्यान रखें, अगर 21 दिन में आपकी साधना सफल नहीं होती, पीर बिरगाना आपको दर्शन नहीं देते, तो आप साधना को कंटिन्यू रखिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो आपको दर्शन जरूर देंगे। तो आज का हमारा मंत्र ये रहा, देखिए। तो ये हमारा आज का पीर बिरगाना साधना मंत्र है, पीर बिरगाना धुंधू करे, सवा शेर सवा तोला खाए, 80 कोस धावा करे, 700 कुत्तल आगे चले, 700 कुत्तल पीछे चले, 56 से छुरी चले, 52 से बीर चले, जिसमें गड़गजनी का तीर चले, औरों की धजा उखाड़ता चले, अपनी धजा टेकता चले, सोते को जगाता चले, बैठे को उठाता चले, हाथों में हथकड़ी गेरे, पैरों में बेड़ी गेरे, हलाल माही दीठ करे, माही पीठ करे, पहलवान नबी कूं याद करे, ठें ठें ठें। फिर साधक अपना नाम बोल दें, फिर से बताते थे, पीर बिरगाना धुंधू करे, सवा शेर सवा तोला खाए, 80 कोस धावा करे, 700 कुतल आगे चले, 700 कुतल पीछे चले, 56 से छुरी चले, 52 से बीर चले, जिसमें गड़े गजनी का पीर चले, और औरों की धजा उखाड़ता चले, अपनी धजा टेकता चले, सोते को जगाता चले, बैठे को उठाता चले, हाथों में हथकड़ी पैरों गहरे पैरों में बेड़ी गहरे, हलाल माही दीठ करे, माही पीठ करे, पहलवान नबी को याद करे, ठें ठें ठें। साधक अपना नाम बोल दे। तो इसके साथ बीज मंत्र भी आया, तो आप सोच लीजिए ये कितनी शक्तिशाली साधना है। पीर बिरगाना बहुत ही ज़्यादा दिलेर हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित स्वभाव के। अगर यह साधना करो, आप दिल को सख्त रखिए। अगर आपका कमज़ोर दिल है तो ये साधना मत कीजिए। अगर आपका दिल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, सख्त है, तो ही आप ये साधना करिए। तो विधि इस तरह है, हमने आपको बता दी है, मंत्र बता दिया है, यूज कैसे करना है। जैसे आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसके बाद जैसे भी आप चौंकी लगाना चाहे, इस मंत्र को 11 बार कर लीजिए, और पीर बिरगाना को आने के लिए निमंत्रित कीजिए, मेरे अंदर प्रवेश कीजिए, वो आपके अंदर आएंगे और चौंकी आएगी। अगर आप इसे साक्षात बात करना चाहते हैं तो भी आप 7 बार मंत्र का जाप करके आप इसे बुला सकते हैं। तो आपको हमने बता दिया है तो कैसे इसकी विधि है। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी मुसलमानी साधना को जल्दी संपन्न करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो मंत्र साधना से पहले 11 बार दारू शरीफ पढ़िए, और 11 बार फिर दारू शरीफ पढ़ लीजिए। ये रहा आपके सामने दारू शरीफ, आप इसे लिख लीजिए, अल्लाहुम सल्ली अला मोहम्मद व आला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला रब्बा आला आलि इब्राहिम की हमद मजीद, अल्लाहुम बारिक अला मोहम्मद व आला आलि मोहम्मद कमा बारक अला रब्बा आला आलि इब्राहिम की हमद मजीद। तो आप 11 बार ये और 11 बार वो बाद साधना होने के बाद ये आप 11 बार पढ़ लीजिए, आपकी साधना जरूर संपन्न होगी। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को टच कर दीजिए, ताकि न्यू वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर कर दीजिए। आज की हमारी वीडियो में इतना था, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। जय गुरु गोरखनाथ। आदेश।